Hello guys, welcome back to our channel. So how are you all? Hope you all are doing well. And another day and another vlog. हम लोग अभी आए हैं हमारे third destination पे. Thumbnail से और description से तो आप लोगों को पता चल ही गया कि आज हम आए हैं Bryce Canyon National Park उटा. गाइस पीक टाइम पे यहाँ पे पार्किंग मिलना बहुत टफ होता है बट ऑफ सीजन यानी कि मई पे कंपेरेटिवली इजी होता है बट हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे इसलिए पार्किंग मिल गया और इस पार्क में भी फ्री शटल है ग्रैंड कैनियन जैसा. आर फास्ट व्यू पॉइंट फार व्यू पॉइंट एंड इस पॉइंट से पार्क का एक प्रीव्यू दिखता है. नेक्स्ट पॉइंट इज नेचुरल ब्रिज. नेम ब्रिज है बट एक्चुअली ये एक आर्च है जैसा हमने आर्चिस नेशनल पार्क पे देखा था. सो गाइज अभी हम है पार्क के हाईएस्ट पॉइंट पे. यहाँ पे दो व्यू पॉइंट है, रेनबो व्यू पॉइंट एंड योविम्पा व्यू पॉइंट. यहाँ से पार्क का कंप्लीट व्यू दिखता है. सो अभी आते हैं फॉर्मेशन पे और यहाँ पे जो डे ट्री जैसा दिख रहा है ना, ये कोई ट्रीज नहीं है, ये है रॉक फॉर्मेशन और इसका नेम है हुडू. और ऐसा रॉक फॉर्मेशन सिर्फ इसी पार्क में दिखता है. ये फॉर्मेशन भी मिलियंस ऑफ इयर्स में इरोशन के वजह से ही बना है. इस ट्रिप के बाकी नेशनल पार्क के कंपैरिजन में यहाँ पे ग्रीनरी थोड़ा ज़्यादा दिखता है और हमारे कार के सामने से ही एक वाइल्ड डियर रोड क्रॉस कर गया था बट मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई. और यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल दिख जाएगा. नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे आए हैं और देखिए क्या दिखा हमें. देखने में क्रो जैसा है बट ये है रेवन. साइज में बहुत बड़ा है और अपने मैलेफिसेंट मूवी देखा है तो रिलेट कर पाएंगे. लोकेशन है एग्वा कैनियन और अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं. यहाँ पे मेनली टू हुडूज दिखता है. ये दोनों हुडूज बहुत ही बड़ा है एंड लेफ्ट साइड पे जो हुडू है इसका नेम है द हंटर. ये सबसे लंबा है एंड राइट साइड वाला है रैबिट और बैकपैक. ये थोड़ा छोटा है. हुडूज का शेप कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है इसलिए राइट साइड वाला हुडू अभी रैबिट जैसा नहीं दिखता है. नेक्स्ट आ गए हैं इंस्पिरेशन पॉइंट और यहाँ से पार्क का बर्ड आई व्यू दिखता है एंड यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पे कितना कॉन्सेंट्रेटेड है ये हुडूज. इस व्यू को बोलते हैं ब्राइस एम्पीथिएटर. आज का ये एरिया थ्री स्टेप से बना है. ग्रैंड कैनियन, आर्चेस एंड ब्राइस, ये सभी कोलोराडो प्लेटो का पार्ट है. सो फ्रेंड्स पता है कि ये कैसे बना है? होल एरिया 50 मिलियन ईयर पहले लेक या सी का पार्ट था और होल एलिवेशन सी लेवल के नीचे था. फ्लडिंग के वजह से आसपास के सभी एरिया से बहुत सारे स्मॉल रॉक्स पार्टिकल्स ओवर द पीरियड डिपॉजिट होने लगा और धीरे धीरे यहाँ पे जम गया. एंड सेकेंड स्टेप पे टेक्टोनिक प्लेट्स क्रश होके पूरा एरिया सी लेवल से ऊपर आ गया जैसे कि ये आज है. बट तब ऐसा फॉर्मेशन नहीं था. उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स वाटर, आइस एंड एयर के थ्रू रॉक्स टूटता गया और ये वुडू बनता गया. सो फाइनली आए हैं विजिटर सेंटर पे. यहाँ पे एक म्यूजियम भी है और यहाँ से ब्राइस कैनियन के जियोग्राफी एंड हिस्ट्री का पता चलता है.
ग्रैंड कैनियन एंड इस पार्क से आप रात को स्टारगेजिंग भी कर सकते हो। इस एरिया से बहुत सारे डायनासोर्स एंड उस टाइम के एनिमल्स का बहुत फॉसिल्स भी मिला है। एंट्री फी है $35 यानी 2500 INR पर व्हीकल। गाइस, आज का वीडियो यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो बाय, टेक केयर, लव यू।